केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर आज मेरठ पहुंचे, लेकिन हालात पूर्ण बदले हुए थे। योगी सरकार द्वारा जबरन सेना वृद्ध किए जाने के कारण पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया उनसे मिलने पहुंचे तो लेकिन उनके लिए सर्किट हाउस के दरवाजे नहीं खुले। बाहर सीढ़ियों पर ही बैठकर अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से वार्ता की। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि कंकरखेड़ा के नगलताशी व दयामपुर में 15 बीघा सरकारी भूमि बेचने संबंधी घोटाले में एमडीए के साथ ही तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लिप्त हैं। यही कारण है कि राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने वाले इस मामले की जांच अटकी हुई है। अमिताभ ठाकुर ने ये आरोप भी लगाया कि शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह व उनकी जान को बराबर खतरा बना हुआ है। यदि देवेंद्र व उन्हें कुछ हो गया तो आरोपियों के साथ ही एडीजी, आईजी व अन्य पुलिस व प्रशासनिक अफसर जिम्मेदार होंगे। इस मामले में अभी तक भूमाफिया अखिलेश गोयल सलाखों के पीछे है, जबकि कई नामचीन लोग पुलिस पकड़ से दूर हैं। इस बारे में आज जबरन सेनावृत आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से यह वार्ता की। मैंने यहाँ के लिए परमिशन पूर्व में नहीं मांगा था, यद्यपि ये चूँकि खाली है तो मुझे लगता है कि मुझे बैठने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई खाली है और मैं भी तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ, बैठ सकता था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि आपने पूर्व में परमिशन नहीं लिया है तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यदि सत्ताधारी पार्टी के कोई सज्जन आए होते तो उन्हें वो तो रात दिन 24 घंटा जब आते तो उन्हें जगह मिल जाती। मैं चूँकि गरीब और कमज़ोर पार्टी का आदमी हूँ, विपक्षी दल का आदमी हूँ, इनके संबंध में मैं अक्सर मतलब इनकी कमियों को उजागर करता हूँ, अतः मुझे बाहर ही रखा गया है। सार्वजनिक स्थान है, यहाँ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ, तो पहली बार में जो संभवतः मैं उस समय मैंने एक मंत्री जी के बारे में कुछ बातें बताई थी, उनके भ्रष्टाचार के बारे में उजागर किया था, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके बाद एक नीति बना दी गई होगी कि अमिताभ ठाकुर को अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका अपना विवेक है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ, सीढ़ियों पर बैठ के करूँगा, खड़े करूँगा, दौड़ते हुए करूँगा, लेकिन अपनी बात लोगों तक अवश्य पहुँचाऊँगा। आज मैं जो आपके सामने आया हूँ, यह एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आपके सामने दो ऐसे दस्तावेज दिखा रहा हूँ, यह दोनों 946/2022 FIR नंबर हैं, थाना कंकड़खेड़ा के। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की पुलिस में यह अकेला मामला होगा जब एक FIR नंबर पे दो चीज़ें अलग अलग दर्ज हुई हों। और यह जब से CCTNS बना है, पुलिस कहती है कि एक बार जब कंप्यूटर में फीड हो जाता है तो चेंज नहीं होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से FIR चेंज हुआ। तत्कालीन जो IG थे प्रवीण कुमार, उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप में यह हमारा आरोप है कि यह चीज़ें चेंज हुई। हमारे जो साथी हैं देवेंद्र सिंह, उस समय LIU में थे, उन्होंने पहली FIR उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके लिखवाई। उस FIR में जब IG को आपत्ति हुई तो उन्होंने लोगों को बुलाकर इन्हें कहा कि FIR चेंज कराई जाए, इन्होंने मना कर दिया। तब अपने स्तर से उन्होंने चेंज कराई, कंप्यूटर का डाटा चेंज कराया गया। कंप्यूटर का डाटा चेंज कराना अपने आप में एक क्राइम है। अभिलेख इस बात को बताते हैं कि यह प्रकरण कितना सीरियस है, इस मामले में अफसरों की किस प्रकार लगातार गलत भूमिका रही। हमारे साथी ने देवेंद्र सिंह जी ने जब इस मामले में शुरू में अफसरों का साथ दिया, उन्होंने पहले इनका साथ लिया और बाद में जब इन्होंने FIR चेंज कराने से मना कर दिया, तब इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया गया। हम इस मामले में जहां तक संभव होगा अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इन्हीं कारणों से कि चूंकि इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो भी हो रहा है वो केवल सतही और दिखावटी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये तत्कालीन IG द्वारा साइन किया हुआ अभिलेख है, इसमें ऊपर लिखा है 9 का चिट्ठी दिखाया जा रहा है, यहाँ लिखा है कि 9 को कार्यालय में प्राप्त हुआ, यहीं कहीं लिखा हुआ है, और सिग्नेचर वो कर रहे हैं 7 को।
नीचे सिग्नेचर 7 तारीख का है। यह आपको मैं दूसरा इसका दिखा रहा हूँ कि जो जो अभिलेख कार्यालय में 9/11 को प्राप्त हुआ हो, 9/11 है ना, वह उस प्रकरण में 7/11 को अफसर कैसे साइन कर देगा, यह दूसरा खेल है। यह सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें हैं, किस प्रकार से हर स्टेज पे इस मामले में गुनाह दर गुनाह हुआ है, दोषियों को बचाने का प्रयास हुआ है, सच को छिपाने का प्रयास हुआ है। IPS अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से यह वार्ता की।